स्वदेश वाणी। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड कार्यालय के सहायक सूरजदास की पत्नी ने अपने पति को फंसाने की साजिश रची, जिसका सेक्टर 12 पुलिस ने खुलासा किया है। इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता ने बताया कि पत्नी अपने बहन के पास वनपुर गई थी, जिसकी जानकारी उसने अपने भाई को फोन पर दी थी। इस बीच पति ने अपने ससुरालियों पर उसे गायब करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ ससुरालियों ने थाना में आवेदन देकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू की, जिस दौरान पता चला कि गुम हुई लड़की ने वनपुर रहने की सूचना अपने भाई को दी थी, लेकिन उसने किसी को बताने से मना कर दिया था, जिसके बाद भाई खामोश हो गया। इधर लड़की की माँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पत्नी ने बताया कि भाई को जानकारी थी हम कहाँ हैं, मेरी बात भी मैके वालों से वीडियो कॉलिंग के जरिए होती थी। उसने पति पर किसी लड़की से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। आप पति पत्नी के बीच में और आपके ससुराल समस्या से तुतु में झगड़ा में इसका परिवार वाला हमेशा आके मेरे साथ साफ-सफाई करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन पहले इसका परिवार वाला ने इसे खुद छुपाया और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि ये काट के फेंक दिया है या छुपा दिया कहीं। पत्नी बोल रही है अवैध संबंध है आपके किसी के साथ, इसलिए विवाद हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका जांच अगर किया जाए तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संबंध से एक अलग बात हो जाता है, संबंध ऐसा कोई नहीं है। इतना गलत काम तो हम करेंगे नहीं। क्या जान पहचान लड़की से? कोई भी नहीं, इनसे इनका फ्रेंड था वो अलग बात है, लेकिन कोई जान पहचान नहीं है। लड़की से जान पहचान आपका? कोई जान पहचान नहीं। महिला थाना में केस है 26/11 को पिटरवार ब्लॉक में कार्यरत सहायक सूरज दास एक आवेदन दिए थे थाना पर आकर के कि हमारी पत्नी 26 तारीख के दिन में से गायब है और मिल नहीं रही है। तो इस संबंध में हम लोग सनात दर्ज करके उनकी पत्नी को खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच में सूरज दास के सास के द्वारा 50 महिला थाना को आवेदन दिया गया था और वरीय पदाधिकारियों को कि हमारा दामाद और उसका परिवार वाला हमारी बेटी को गायब कर दिया है। पत्नी को खोजबीन करके लाया गया है। उनकी पत्नी का कहना है कि हम अपने पति और अपने परिवार वाले को बता करके अपने चचेरी बहन के यहाँ बहन को गए थे, और इन लोगों का कहना है कि हम लोग को जानकारी नहीं है, और दोनों हम लोग को लगता है कि बरलाने की वजह से झूठा आवेदन हम लोग के पास दोनों पक्षों के द्वारा दिया जा रहा है, और इस तरह के मामला आए दिन बढ़ते जा रहा है, इस पर हम लोग अंकुश लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पुलिस को गुमराह किया जा रहा है दोनों साइड से पुलिस को गुमराह किया जा रहा है, और पत्नी उसकी स्पष्ट रूप से बता रही है कि हम अपने पति को और अपने मायके वाले को बता करके गए थे और पर प्रतिदिन वीडियो कॉलिंग से बात भी किया करते थे, उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा झूठा आवेदन दिया गया था। दोनों कोई केस करने के लिए तैयार नहीं है। तत्काल पेटवार प्रखंड विकास पदाधिकारी में भी इससे अवगत करा दिया गया है और पत्नी को उसके परिजन और उसके पति के समक्ष दोनों को बुला करके उसको सूचित किया। डेली मारता है मेरे दामाद, डेली मारपीट करता है, अकेला पाके अकेला रहती है, ये बच्ची को लेकर रहती है। ये बच्ची तो हमको बोलती है कि ये नानी डेली मारपीट होता है, तो हम क्या करें? इसी के लिए थाना आए हैं। हाँ, तो इसके पहले भी एसपी डीसी और किसी के यहाँ गए थे? हाँ, शादी दिए हैं डीसी एसपी ये करके शादी किए हैं। अच्छा, तो एसपी डीसी के यहाँ किस लिए गए थे? ये थे कि मेरे बेटी यहाँ से कहाँ गुम हो गई थी, इसीलिए। तो एसपीडीसी को क्या बोल के आए हैं कि अगर पुलिस मेरा केस नहीं लेगा तो हम धरना देंगे? ऐसा हम कुछ नहीं बोले हैं सर। हाँ, ये तो झूठ बात है। धरना देने का बात नहीं बोले? नहीं, धरना देने के बाद हम नहीं बोले हैं। तो आपका बेटी तो बहन के यहाँ गई थी ना, आपको नहीं बताई थी कि बहन के यहाँ? नहीं, हमको जानकारी रहता तो हम उसको कहा करते सर। मेरा छोटी बहू का जानकारी है, मेरे छोटा बेटा का जानकारी है, मेरे दामाद का जानकारी है, हमको जानकारी नहीं था। मेरा पति तो ड्यूटी में। तो आपका दामाद मारपीट करता है? डेली मारपीट करता है, एक दिन किसका किसका किस लिए मारपीट करता है? मारपीट करता है दूसरा औरत के साथ संबंध है, इसीलिए। समझौता तो हो गया था आप लोग का? समझौता महिला थाना से हुआ था सर, हम महिला थाना से विदा किए क्योंकि ये लोग दोनों सुख से रहे, लेकिन फिर मारपीट किया। हम छठी घर गए थे, हम लोग सब परिवार छठी घर गए थे। फिर आप घर रह रही, आप गुमशुदगी का लिखा रहे हैं? तो ये तो क्वार्टर ना है, हम अपना बस्ती में रहते हैं,
लड़की बारह सी में रहती है मेरे क्वार्टर में। तो फिर आपको नहीं पता है? कैसे पता रहेगा, हम अपना घर में रहेंगे। आपके क्वार्टर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता था। ताला ऐसे खोल ली? कौन आपको बेटी? बिना चाबी है? बिना चाबी का कैसे ताला खोले? तो फिर कैसे घुस गए? अभी आज सुबह में हम आए। आज सुबह में आप आए? रात तो वही रही थी, अपना घर में थे। धरना देने का आप बात नहीं बोले थे कि थाना में धरना देंगे? डी सी एस पी को जो आवेदन दिए थे आप, कहा कैसे बोलेंगे? क्या नाम है आपका? जिंदगी ये बताइए कि आपका बहन जब गायब हुई थी तो आपको बताई थी कि हम अपना बहन के यहाँ बनपुर जा रहे हैं, आपको सूचना दी थी ना? उस दिन गई थी, उस दिन हमको नहीं पता था। उसके नेक्स्ट दिन शाम को करीबन 6:30 से 7 बजे के बीच में एक नंबर से कॉल आया था, जिस नंबर पे मैंने बाद में कॉल भी किया लेकिन लगा नहीं, स्विच ऑफ बताया। उसी नंबर से हमको बोला गया था कि हम बहरनपुर में हैं। कौन बोला था? बहन। तो जब आपको पता चल गया कि आपकी बहन आपके बहन के यहाँ बनपुर में है तो फिर? और हमको बहन ही मना की थी कि अभी किसी को नहीं बोलिएगा। तो जैसे क्या बात है क्या नहीं, ठीक है, तो हम किसी को नहीं बताए थे क्योंकि सर हम अलग रहते हैं। अपना काम करते हैं, पेंट पचोड़ा का, अपना अलग रहते हैं, अलग खाते हैं। फिर जब आपकी माँ थाना गई, पता था सुदगी का? तो उसका पता था। सुदगी का केस जब करने के लिए मेरी माँ डीसी के एसपी के यहाँ गई है तब हमको नहीं पता था। हमको एक ही बार में जब 12 आई हैं थाना, उस दिन हमको 12 बोली कि 12 थाना चलिए, ठीक है, उस दिन जब 12 थाना हम आए तो उस दिन हम साथ में आए। तो बताया पुलिस को कि आपकी बहन कहाँ है? नहीं, उस दिन तो सर यहाँ केस हुआ नहीं, जो बोले कि आप लोग को देखिए, आप लोग के भाई को सबको पता है कि आपकी सिस्टर कहाँ है, ठीक है, आपके छोटे भाई हमको बताएं, जाइए आप अपनी बहन को लेकर के आइए, उसके बाद इस केस का समाधान हम यहाँ से करवा देंगे। तो मतलब जब आप थाना आए थे तो पता था आपको कि आपकी बहन कहाँ है? हाँ। तो फिर क्यों आप गुमशुदगी का केस किए? ठीक है सर, कहाँ, हम तो केस ही नहीं किए हैं। आपकी माँ की तो मना क्यों? माँ जिस वक्त की थी उस केस के बारे में हमको नॉलेज नहीं था, जब गुमशुदगी का केस हुआ था तो हमको पता नहीं था। अपना माँ को नहीं बताए परिवार के साथ? क्या सर, आप अपना माँ को नहीं बताए कि आपकी बहन वहाँ है? नहीं, हम नहीं बताए थे सर। ये बताना चाहिए था ना, आप तो पुलिस को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, कहे कि सर उस वक्त हम अपना बहन को बोले भी थे कि तुम लोग क्या कर रही है क्या नहीं, देखो तुम लोग के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो गए, हम कुछ नहीं जानते हैं और कुछ नहीं, तुम लोग से मेरा कोई मतलब ही नहीं। पूर्व में भी ऐसा आत्महत्या का बार बार पुलिस को बुलाया गया है कि मेरी भी पत्नी आत्महत्या कर रही है, पति आत्महत्या कर रही है पहले भी, ठीक है, इस तरह का घटना एक बार दो बार तीन बार हो चुका है, ठीक है, तीन बार उस टाइम थाना आया गया है। आपका जीजा तंग करता है आपकी बहन को? हाँ, तंग तो करता है, ठीक है, इससे पहले भी एक बार कमर तोड़ा गया। क्यों ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है उसका? देखिए सर, कारण तो वही बता पाएंगे, सिस्टर का कहना है कि वो किसी लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपका बहन बोले कि जान बिना बोले चली गई बाहर इतना दिन रही, गलत है? गलत तो है सर, किसी पर भी आरोप लगाना तो आसान होता है, वो बात सही है। हाँ? क्या नाम है? रुपेश पर्दास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।